रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्त कमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पहला स्थान। बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए? आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए? जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और पांचवें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर अर्थात भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए, हुए बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहते हुए, ये शंकर भगवान की प्रियता बिल्कुल। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका वचन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ